Hello student, myself Pooja Pandey. Today we are going to solve practice 1 and exercise 4. Okay, so let's start. Practice 1, find the additive inverse of the number to be subtracted and solve the following questions. Okay, so question 1, -3 -7. Let's solve the question. Solution. So find the additive inverse of the number to be subtracted. So -7 is subtracted to -3. So हम यहाँ पे as it is -3 को लिखेंगे and additive inverse of -7. Additive inverse of minus का additive inverse plus में convert हो जाता है and additive inverse of -7 minus plus में convert हो जाएगा. Okay, so -3 plus 7 minus plus minus माइनस, सो 7 में 3 गया 4. ओके, 4 इज योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस 1 के क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4. आप किसी भी, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लीजिए माइनस एक्स है मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स. ओके, जब आप नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, देन अगर आप पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव इंटीजर से करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्लस माइनस नेगेटिव इंटीजर. ओके, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर. अगर आप नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनस माइनस पॉजिटिव इंटीजर. ओके, ये आप रूल याद कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4. एक्सरसाइज 4, रीप क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द रिजल्ट. आपको यहाँ पर नंबर्स नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 प्लस माइनस 4. सो आपको इसे नंबर लाइन में शो करना है, पर हमें इसे सिंपल तरीके से पहले सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है. सो 2, मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस माइनस 4. प्लस टू माइनस 4 में प्लस 2 गया, कितना बचेगा,
माइनस टू, बिकॉज यहाँ पे बड़े डिजिट के सामने माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा. ओके तो इसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर. ओके सो यहाँ पर क्या है, टू है. टू किस में है, पॉजिटिव साइन है. तो आपको ज़ीरो से टू स्टेप लेना है. कहाँ पे, टू पे आपने टू स्टेप लिया. ओके अब सेकेंड स्टेप क्या है, माइनस फोर. ओके तो आपको माइनस फोर स्टेप चलना है. तो आप टू से माइनस फोर स्टेप जाएंगे. वन टू थ्री फोर, माइनस किधर है, लेफ्ट साइड में. राइट साइड में वो आपके पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव. तो टू से आप फोर स्टेप माइनस चलेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, टू पे. ओके वन टू थ्री फोर, तो आंसर क्या आपका आया, माइनस टू. दैट इज़ योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट में आप इसी तरह बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम्स ऑफ, आपको यहाँ पे सम करना है, मीन्स ऐड करना है. ओके एडिशन करना है. फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी वन माइनस 503, आप ये कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विथ ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन सो दैट द स्टेटमेंट्स बिकम ट्रू. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 प्लस माइनस 3 माइनस 3 प्लस 8, आपको बताना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में ग्रेटर देन है, लेस देन है या इज इक्वल टू है. ओके सो क्वेश्चन फर्स्ट, एट प्लस माइनस थ्री एंड माइनस थ्री प्लस एट, सॉल्व द इक्वेशन. एट प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस, सो एट माइनस थ्री ओके एट माइनस थ्री, एट में थ्री क्या कितना बचेगा, फाइव. यहाँ पर भी माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, एट में थ्री क्या कितना बचेगा, फाइव. तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू का. ओके इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है. टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, टू थ्री ज़ा सिक्स एंड सिक्स फाइव ज़ा थर्टी. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस माइनस वाले हैं. ओके इसमें बाकी डिजिट्स माइनस में है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स. सिंपली आप फर्स्ट में आप पहले प्रोडक्ट निकाल लीजिए. ओके देन पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखिएगा. सो थ्री फाइव ज़ा 15, ओके इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, ओके दैट्स द क्वेश्चन. 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 प्लस माइनस माइनस, 3 फाइव ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, सो आंसर भी प्लस में आएगा. 6 फाइव ज़ा 30 6 वन ज़ा 6 6 और 3 9.
okay? This is your answer. Okay, students, question number 6. The sum of two integers is 69. If one of them is 56, find the other integer. So here formula hai, other integer is equal to sum of two integer minus first. इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है अदर इंटीजर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर. सो पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू इंटीजर, हमें निकालना है अदर इंटीजर. सो सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 69 एंड फर्स्ट इंटीजर इज 56. सो 69 माइनस 56 3 and 13 is your answer. Second question, 7 number का question भी 6 के जैसा, आप इसे solve करेंगे. Question number 8, find the quotients for each of the following divisions, okay? So आप इसे कर लेंगे. Question number first, 30 divided by 2, 2 ones are 2, 2 fives are 10. So 15 is your answer. Now students, question number 9, fill in the blanks. Question number 1, minus 80 divided by what? Then minus 20, we will get minus 20. So minus 80 ko kisse divide karenge ki minus 20 mile? Okay? So 4 से डिवाइड कर सकते हैं, देन वी विल गेट माइनस 20. 4 टू ज 8, सो 4 इज योर आंसर. इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स. आपको यहाँ पे एडिटिव इनवर्स निकालना है. सो प्लस 17 का एडिटिव इनवर्स माइनस 17, ओके? बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 11. सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 18 प्लस व्हाट, देन वी विल गेट 0. आप माइनस 18 को किससे, कौन से नंबर से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जिससे आपको 0 मिले. माइनस 18 को प्लस 18 से आप अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0. सो स्टूडेंट्स, आपका यह एक्सरसाइज खत्म होता है. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.